शासन के निर्देश अनुसार 3 जनवरी से हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों में 15 वर्ष से अधिक उम्र के अध्ययनरत एवं शाला त्यागी विद्यार्थियों का कोविड टीकाकरण किया गया। नगर के शासकीय उमा माध्यमिक विद्यालय काटाफोर्ट, दि सुजान पब्लिक स्कूल, महर्षि गौतम कॉन्वेंट हाई स्कूल, सरस्वती शिशु मंदिर में सुबह 8 से शाम 5 बजे तक टीकाकरण सत्र आयोजित किया गया। बच्चों ने भी उत्साह के साथ टीकाकरण में भाग लिया। नगर के महर्षि गौतम कॉन्वेंट हाई स्कूल में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष महेश दुबे, डॉक्टर बीपी मालविया, डॉक्टर सुनील एसके व विद्यालय प्राचार्य अर्चना शर्मा ने टीकाकरण का शुभारंभ किया। किशोर बालकों को वैक्सीन लगाने का एक अभियान प्रारंभ हुआ है। 3 जनवरी को भी हमारे कांटापुर के सरकारी विद्यालय और अन्य विद्यालयों में ये टीकाकरण हुआ। आज 5 जनवरी को भी हमारे नवोदय विद्यालय, सरस्वती शिशु मंदिर, महर्षि गौतम विद्यालय में ये टीकाकरण हो रहा है। शासन की मंशा है कि हमारे जो नौजवान हैं 15 से 18 वर्ष के, इन सब लोगों को टीकाकरण हो जाए और यही एक सुरक्षा कवच है जिससे कि हम कोरोना की बीमारी को रोकथाम कर सकते हैं। बड़े लोगों को टीकाकरण पहले हो चुका है और नए लोगों को, युवाओं को टीका लगना बहुत जरूरी है, सुरक्षा कवच है, इसलिए इसका उत्साह के साथ सब बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। हमारे शासन के अनुसार सभी स्कूलों में कहा गया है कि 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीनेशन करवाना है। इसी तरह से अपने यहाँ पर अभी आज के दिन में 2-3 स्कूलों में रखा गया है, वैक्सीनेशन रखा गया है। नवोदय विद्यालय में रखा गया है, महर्षि गौतम विश्वास में रखा गया है और सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में रखा गया है। यहाँ पर सभी बच्चों को नॉर्मली इसी टाइप से लगाया जा रहा है, उसमें कोई किसी को लगाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आराम से स्वच्छतापूर्वक लगवाया जा रहा है।